हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल गौरी की रिपोर्ट आई थी, ब्लड टेस्ट की जितने भी थे, एंड वो ही आज लेकर हम डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें था कि कहीं बर्स ना होगी हो अंदर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, स्टिल वो उनका मानना है कि कल की कल सर्जरी अगर हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज रिस्क लेने वाली बात है। कोस गौरी की पेन नहीं जा रही है। कल भी रात को गौरी मतलब सो नहीं पाई ढंग से, वो बैठ ही रही थी, तो पेन किलर्स वगैरह उसे लेने पड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि वी आर गोना नीड 4 सर्जन्स इन टोटल। तो वो कल आ जाएंगे सबके सब, एंड वी डू हैव एन अपॉइंटमेंट एट 10 AM इन द मॉर्निंग। तो कल 10 बजे गौरी की सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। बट मेन बात जो बताने वाली है, गौरी बहुत ज़्यादा नर्वस है। मैं भी हूँ, बट मुझसे ज़्यादा गौरी बहुत ज़्यादा नर्वस है। सुबह से ना ऐसे, जैसे जब से इसे पता लगा ना कि सुबह 10 बजे सर्जरी है, शी इज़ इन टू लाइक कि पता नहीं क्या होने वाला है। गौरी ये देखो इसका हाल अभी थोड़ा ठीक है, ये नो डाउट ठीक है पहले के कंपेरेटिवली। 2 दिन तो इसकी हालत ख़राब थी, कल वाली वीडियो में आपने देखा ही है इसका क्या हाल था। अभी मैं ठीक हूँ, हाय, मैं अभी ठीक हूँ थोड़ी, बट आई एम रियली स्केयर्ड फॉर टुमोरो। ऐसे मेरी बॉडी पे कोई स्कार, कोई क्या कहते हैं इसको, स्टिच कुछ भी नहीं है आज तक, कभी नहीं लगा, और फर्स्ट टाइम वो भी इतने सारे स्टिचेस लग रहे हैं। आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ इट, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर ने बोला कॉज की ये मेजर सर्जरी होगी, छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, तो 4 सर्जन लगेंगे, एंड टाइम का तो हमें बताया नहीं कि कितना टाइम लगेगा सर्जरी को कैरी ऑन होने में। तो हाँ, थोड़ा बहुत सच बोलूँ, मुझे भी हो रहा है, पर मैं सच बताऊँ मेरे ना पैल्पिटेशंस हो रही है, मेरे पेट पे कुछ हो रहा है। मतलब ठीक है, कल तक मैं ठीक थी कि कोई नहीं, कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, बट अभी मुझे आज, हाँ, जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, क्योंकि अभी देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही घंटे रहे, खाने का मन नहीं कर रहा, 13-14 घंटे रहे हैं, अभी नर्वसनेस हो रही है। हाँ, ऑब्वियसली मैंने खाना बनाया है, लेकिन स्टिल गौरी इज लाइक कि मैं तो नहीं खाना अभी। हाँ, मुझे भूख लगी हुई है, सच बोलूँ, मुझे पता है मुझे नर्वसनेस है, बट भूख मुझे जरूर लगी है, बट गौरी इज लाइक कि नहीं खाना ही नहीं, ये खा भी नहीं रही। तो डॉक्टर का मानना ये भी है कि शायद से जो इनको है उसके कारण नहीं ये खाना खा रहे, बट नहीं, वो तो चलो एक रीजन है, पर मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे वही अंदर से फील हो रहा है थोड़ा सा, यस, डर लग रहा है। टू बी क्लियर, लगना चाहिए यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे पहली बार आई एम गोइंग टू फेस समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज गौरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मली, ठीक है। और जैसे इसने पेन को बियर किया ना, स्पेशली जिस दिन MRI करवाना था भाई, हैट्स ऑफ टू हर, कॉज इसके आंसू निकल आए हुए थे उस टाइम पे। लेकिन उस दिन हमारा यार इतना ना माइंड सेट था ना कुछ की मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरे को ये था कि बस ये गौरी पेन से किसी तरह से। उस दिन मेन ना ये थी कि मतलब मैं ऐसे बैठ जाऊँ, ऐसे बैठ के बस ऐसे बैठ पा रही हूँ, तो नहीं पे ना मेरी लेग सीधी हो पा रही थी, बहुत ज्यादा पेन। अभी अभी भी ना ये गौरी का ना लाइक प्राइम जगह यहीं पे बैठी है, ये जो पिलो आसपास पड़े हुए हैं ना, हाँ, ये गौरी को मैं सेट कर देता हूँ रात को, ताकि ये कंफर्टेबली सो जाए। हाँ, यहाँ पे पीछे इसके सेट हो जाते हैं, यहीं पे फोन चार्ज, यहीं पे सब कुछ लाइक तो अभी और तो कुछ रहा नहीं भाई, यही थी आज की अपडेट। तो वीडियो तो छोड़ी दी है, बट हमने सोचा कि अपडेट करते हैं। हाँ, सब ठीक हो कल। हाँ, आज ये हंस रही है, कल तो बेचारी को होश भी नहीं होगी जाने, मुझे लगता है। हाँ, कल होश नहीं होगी, तो मैं कहा चलो आपसे एक बार मिला देती हैं। एंड गाइस, डॉक्टर कह रहे थे कि वो ऐसे स्टिचेस नहीं आएंगे, ऐसे स्टिचेस आएंगे, वर्टिकल होगा क्रॉस। चलो लेट्स सी, वो जो भी है वो देख लेंगे कल। तो गाइस, डू प्रे फॉर हर, ठीक है, वी रियली नीड योर ब्लेसिंग, ऑल्दो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव, मींस अ लॉट टू अस, राइट। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का, मिलती है हम आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।